हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम हरी मिर्च का पाउडर बनाना बताएंगे कि घर पर हम हरी मिर्च का पाउडर कैसे बनाते हैं। पहली वीडियो में हमने हरी मिर्च का अचार कम समय में कैसे बनाकर तैयार हो सकता है वो बताया था, वो भी सालों साल रखने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ हरी मिर्च ली हैं और इनके डंठल तोड़ लिए हैं और हरी मिर्चों को धोया है, सुखाया है, साफ़ कर लिया है। तो आप साफ़ हरी मिर्च लीजिए। ये जो हरी मिर्च पर आपको काला दाग नज़र आ रहा है, ये बस ऐसे ही है, वैसे मिर्च ख़राब नहीं है, बिल्कुल साफ़ और सही मिर्च है। तो ऐसे आप हरी मिर्च साफ़ लीजिए, आपको जितना तीखी मिर्च पसंद है उतना उस हिसाब से लीजिए, कम तीखी ज़्यादा तीखी। और ऐसे चॉपर बोर्ड पर आप रफली चॉप कर सकते हैं। अगर ये ऐसे नहीं करनी, आपके पास जो चॉपिंग वेजिटेबल चॉपिंग मशीन होती है वो लीजिए। मेरे पास ये इलेक्ट्रिक चॉपिंग मशीन है तो मैं ये ले रही हूँ और इसमें मैं हरी मिर्चों को डाल दूँगी, जिससे मैं इसमें अच्छे से हरी मिर्च काट लूँ। आप अगर हाथ से काट रहे हैं तो प्लीज़ अपने हैंड पर ग्लव्स का यूज़ कीजिए। अगर आपके पास ग्लव्स नहीं हैं तो आप उसमें पॉलिथीन बांधिए और अपने हाथों से, डायरेक्ट खाली हाथों से हरी मिर्च मत काटिए, जो गलत होता है कि कहीं भी हाथ लग जाते हैं आँख में या कहीं भी फेस पर तो जलन करता है। अब ये यहाँ पर मेरी हरी मिर्च सभी कट गई हैं, ये ब्लेड मैंने अलग निकाल दिया है और इसको, अब हरी मिर्च को मैं एक प्लेट में अब निकाल लूँगी। ये देखिए, बड़ी ही आसानी से कम समय में ये सभी मिर्च कट चुकी हैं और अब मैं ये एक प्लेट में यहाँ निकाल कर इसको हल्की धूप दूँगी। अब दो दिन की धूप लगाने के बाद मैं इसका पाउडर बनाऊँगी। ये हरी मिर्च मैं अब प्लेट में फैला रही हूँ। आपके पास जितनी हरी मिर्च हैं, जितना पाउडर बनाना चाहें, कम ज़्यादा, वो अपने आप अपने हिसाब से बनाइए और उसको अपने हिसाब से बड़ी प्लेट में, छोटी प्लेट में सुखाइए और अच्छे से सुखा कर उसका पाउडर बनाएंगे तो वो अच्छे से पाउडर बनकर तैयार होगा। अब ये देखिए, मैं ये हरी मिर्च ली है और इनको मैं फैला रही हूँ और अब मैं इनको सुखाने के लिए रख दूँगी। अब सुखाने के बाद हम हरी मिर्च का पाउडर बनाएंगे। आप हरी मिर्च को एक सही मात्रा में खाएं तो सही रहता है, हरी मिर्च हो या लाल मिर्च हो। लेकिन अगर हम कोई भी ज़्यादा अनलिमिटेड किसी चीज़ का सेवन करते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। ये देखिए, दो दिन के बाद हमारी हरी मिर्च सूखकर ऐसी हो गई हैं। ये देखने में भी पहले से कम लग रही हैं, लेकिन ये वही उतनी ही हरी मिर्च हैं। और अब हम इसको, सूखा हुआ मिर्च को पाउडर बनाने के लिए इसमें डाल देंगे। अब यहाँ हम इनको, सभी मिर्च को अच्छे से पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, जिससे हमारा पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। आपने देखा कितना आसान है हरी मिर्च का पाउडर बनाना। बिल्कुल जैसे हम लाल मिर्च का पाउडर बनाते हैं वैसे ही हम हरी मिर्च का पाउडर बनाते हैं, लेकिन टेस्ट दोनों का वही अलग है। हरी मिर्च का पाउडर हरी मिर्च का टेस्ट देगा। आप कभी भी थोड़ा चेंज चाहें, आपके पास हरी मिर्च ना हो तो आप सब्ज़ी में ये हरी मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। और ये देखिए, हमारा हरी मिर्च का पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। अब आपको इसको अगर ऐसे ही रखना चाहें तो ऐसे ही किसी डब्बे में भर कर रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर, या फिर आप इसको और बारीक चाहें तो आप ऐसे प्लेट में एक छलनी में छान कर निकाल सकते हैं, एकदम से बारीक पाउडर। ये देखिए, आप अगर ऐसे छानेंगे तो अपने मुंह पर कोई कपड़ा, रुमाल बांध लीजिए, वरना आपके जो इसका पाउडर थोड़ा उड़ता है और काफ़ी तीखी होती है हरी मिर्च, तो उससे आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो आप थोड़ा सा केयरफुल ही रहे हैं। और ये इसको और अच्छे से निकालने के लिए आप किसी चम्मच की सहायता ले सकते हैं। ये देखिए, हमारा पाउडर और बारीक निकल गया है। अब आप इसको किसी भी डब्बे में भर कर रख सकते हैं। तो आपको हमारे आज ये हरी मिर्च के पाउडर की रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अब समय आ गया है हमारे ब्यूटी टिप का। ब्यूटी टिप में मैं आपको ये बताऊंगी, एक तो आप गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और अपने फेस की चमक बढ़ाने के लिए आप अपने फेस पर दाग धब्बों को दूर करने के लिए कच्चे दूध का यूज कर सकते हैं। आप हर रोज़ कच्चा दूध यूज करेंगे तो आपके जो फेस पर निशान हैं और जो मतलब चमक नहीं है, आँखों के पास काले घेरे हैं, वो सभी कच्चे दूध से साफ हो जाएंगे और कुछ ही दिनों में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट नज़र आएगा। तो आज की हमारी रेसिपी और ब्यूटी टिप कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और पसंद आने पर हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आने तक बाय।